नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न्स कैसे कमा सकते हैं, एंड इवन देन स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप म्यूचुअल फंड, इवन क्रिप्टो से भी बेहतर रिटर्न्स आप कहां से कमा सकते हैं एंड कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न्स कहाँ पर कमा सकते हैं एंड कैसे कमा सकते हैं। फुल स्ट्रेटजी के साथ बताएंगे एंड कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो आप एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, अब अपन आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, एंड ये वो एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट, इवन देन क्रिप्टो या फिर म्यूचुअल फंड से भी बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, नहीं नहीं, ये तो वाई स्टार है एंड ये तो फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से कैसे कमा सकते हैं। एंड इवन देन आप लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो लक बाई चांस का काम होता है, कोई नहीं कमा पाता, बेवकूफ़ बनाते हैं एप्लीकेशन। तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मैं फुल स्ट्रेटजी के साथ में एंड फुल प्रूफ के साथ में बताऊँगा कि डेफिनेटली आप लोग यहाँ से कमा सकते हैं। इवन देन स्टॉक मार्केट से आप लोग 20-20% तक कमाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी जो हाई रिस्क कंपनीज होती हैं वहाँ से आप ईयर्स में 25% इवन देन 30% के रिटर्न्स ले पाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। बट यहाँ पर आप लोग बहुत आसानी के साथ में 100% के रिटर्न्स ले सकते हैं, और वो भी विदाउट ऑफ एनी मोर रिस्क। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, एंड आप लोगों को यहाँ पर एक्टिव रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्टिव रहेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग अर्न कर पाएंगे, और इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन से पैसा कमा भी रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, वैसे तो दोस्तों इस एप्लीकेशन ने खुद भी अपने प्लेटफॉर्म पर लिख रखा है कि ये एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड्स इवन देन स्टॉक मार्केट के कंपेरिजन में कितना बेहतर रिटर्न्स देता है, इवन देन एफडी के कंपेरिजन में भी कितना बेहतर रिटर्न्स देता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने को नहीं कहूँगा, मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पर बाई प्लेयर्स वाले सेक्शन पर जाने के लिए कहूँगा, एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली 5 प्लेयर्स भी सजेस्ट करूँगा जो आप ले लेंगे इस वाले में आज ही की डेट में। जैसे आज ही के दिन ये वाला वीडियो बनाया जा रहा है, तो अगर आज ही की डेट में आप लोग आराम से वो 5 प्लेयर्स ले लेते हैं तो आराम से अगर आप इयर्स के बाद देखेंगे ना तो आप लोगों को 100% रिटर्न्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन देन 90-95% चांसेस हैं कि आप लोगों को वो 100% रिटर्न्स दिला देंगे। ठीक है, मैं अभी वो 5 प्लेयर्स भी आप लोगों को बताऊँगा, एंड अभी मैं आप लोगों को एक प्रूफ भी दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्लेयर्स रखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहां पे एक्टिव रह सकता हूं, एंड एक्टिव रह के मैं आराम से 250% के रिटर्न्स भी जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को सूर्य कुमार यादव सर्च करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि उनके रिटर्न्स मेरे पास कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, एक सेकंड भाई, सर्च हो जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही अपन सूर्य कुमार यादव सर्च करेंगे ना, तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर ये देख सकते हैं 12.87 के हैं। मैं इनकी कितनी क्वांटिटी लिए हुए हूँ आप देखिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर 26% के रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, एंड इनको मैंने बहुत ज़्यादा पहले नहीं खरीदा था, एंड इवन देन मुझे 2 मंथ या 3 मंथ ही हुए होंगे इनको बाय किए हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट के 3 मंथ के अंदर इनके रिटर्न्स कितने आए हैं, एंड मेरी आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं अभी के लिए 10.16 है, एंड 26% के रिटर्न्स हैं, एंड आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हैं। P&L 542 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है बहुत आसानी के साथ में। मतलब अभी तो एक ईयर भी नहीं हुआ, अभी IPL आएगा, इसके बाद वर्ल्ड कप भी आएगा, मेरे रिटर्न्स डेफिनेटली दोस्तों आराम से 70-80% हो जाएंगे। एंड अब मैंने तो 200 क्वांटिटी ही ली हुई हैं, जो लोग यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ले सकते हैं ना मैक्सिमम, वो डेफिनेटली ले लें, है ना। अब मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पर ले लें, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर होता तो मैं ले लेता। अब ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी चांस होता है ना, लॉस होने का भी 1% चांस होता है, ठीक है, तो अगर लॉस हो जाता है तो आप मेरे पे क्लेम ना डालें। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने अनुरूप बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी तरफ से सजेशंस दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको ले ही लें। ठीक है, तो 5 प्लेयर्स में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्लेयर आप लोगों के लिए मैं कहूँगा कि हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या दिस कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट पिक, और ये प्लेयर आगे आने वाले IPL में तो ठीक ही ठीक है, वर्ल्ड कप में भी खेलेगा लॉन्ग टर्म। एक साल तक अगर आप लोगों को कोई भी प्लेयर देखने भी नहीं है कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इनको लेकर के आप छोड़ दीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को 80-90 इवन देन 100% तक के रिटर्न दिला सकते हैं। हार्दिक पांड्या आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लास्ट के 3 मंथ का ही यहाँ पर ग्राफ दिख पाता है, इसलिए लास्ट के 3 मंथ का मैं यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ, 11 से 13 पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इनकी तो आप जितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, सजेस्ट ही करूँगा, ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, रिस्क का भी थोड़ा बहुत चांस होता है, बट इनको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोगों को रखूँगा KL राहुल। सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स ही होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंडिया के अलावा बाकी टीम्स के इतने ज़्यादा मैच अपडेटेड नहीं रहते हैं एंड उनकी इतनी ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं आती हैं। ठीक है, बट इनके बहुत अच्छी चीज़ है कि KL राहुल, ठीक है, ठीक है, KL राहुल को मैं बहुत समय तक बहुत सारे प्लेयर्स लिए हुए था, बट अभी की डेट में मैं कहूँगा कि KL राहुल को ले लीजिए, IPL आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, जितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है,
एंड अब केएल राहुल के बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट विराट कोहली। विराट कोहली ये प्लेयर्स मैंने बिल्कुल छांट के रखे हैं कि वही प्लेयर लेना है जिनमें कोई ज़्यादा रिस्क ना रहे, ठीक है। आगे आने वाले एक साल के लिए ले लेते हैं, आपको आसानी से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न्स इवन है। हाँ, स्टॉक मार्केट जितना भरोसेमंद एप्लीकेशन तो नहीं है, ठीक है, बट फैंटेसी की फील्ड में ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन हो जाता है। एंड इसकी कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम के साथ में पार्टनरशिप भी है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। विराट कोहली को आप ले सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते 22 स्टार एप्लीकेशन पर, इवन देन न्यूज़ के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो ले लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये प्लेयर्स हमेशा बढ़ेंगे ही, घटते हुए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। तीसरे के बाद चौथा नंबर का प्लेयर आप लोग अंदाज बताइएगा कि कौन हो सकता है। एंड दोस्तों चौथे नंबर पर आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव। डेफिनेटली मैंने भी उनकी क्वांटिटीज तो कुछ बाई करी ही हुई हैं एंड डेफिनेटली उनके प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही सकते हैं, तो चौथे नंबर पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप उनको भी पिक कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना लॉन्ग टर्म में हमेशा प्राइस बढ़ते ही जाते हैं, यहाँ पर घटने का बहुत ज़्यादा चांस ही नहीं है, तो सूर्य कुमार यादव भी आप पिक कर सकते हैं। एंड पाँचवा प्लेयर हो जाएगा शुभमन गिल। अब इन पाँच प्लेयर्स में से चार प्लेयर्स तो डेफिनेटली दोस्तों वर्ल्ड कप में भी खेलने वाले हैं, 50-50 वर्ल्ड कप में, वहाँ पर और भी ज़्यादा प्राइजेस अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा यार ये पांचों प्लेयर हैं जो आगे आने वाले एक साल में आप लोगों को बहुत तगड़े रिटर्न दिला सकते हैं। अगर आप लोग होल्डिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते यार तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो क्या ही कहा जा सकता है। बट ये है कि ये चीज़ें स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न दिला सकती हैं। हाँ, हालांकि स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिस्की हैं, बट रिस्की सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे अगर भरोसा ना हो तो रिस्की हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेशन में लॉस होने के चांसेस तो मुझे बहुत कम ही लगते हैं, ठीक है। तो अब मेरी सजेशन तो यही है कि आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप लोगों को एप्लीकेशन पर ट्रस्ट हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लॉस होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। बाकी आप लोग इस एप्लीकेशन के ऊपर और ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियोस देखने चाहते हैं एंड इस एप्लीकेशन के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर हर चीज़ के ऊपर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा 12% क्लब का भी वीडियो देख सकते हैं एंड स्क्रीन में मिल ही जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।